वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स क्लास, ठीक है। स्पेशली वो पिक्चर शेयर करूँगी जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेरी गुड इवनिंग रेखा, अंश, सीतु एंड एवरीवन, सभी लोग प्लीज सेशन को शेयर कर दें। ओके, द डेफिनेटिव गाइड, विजुअल गाइड्स, बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें पिक्चर्स जितने भी अभी तक हमने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, सारे ही इस बुक में आपको पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट स्क्रीन पे जो शो हो रहा है आपको पता है, द स्टरी नाइट। जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा उनसे जूम करके डिस्कस किया जाएगा। देखिए स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन है, ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ए पिक्चर जोन, ये वाली पेंटिंग्स देख लीजिए ध्यान से, 1638 में कंप्लीट की गई हैं, ठीक है। फाइंडिंग ऑफ मोसेस, निकोलस पुशिन की पेंटिंग है, इम्पोर्टेंट। लैटिन शेड्स ऑफ दिस पेंटिंग, दिस वन ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, दिस वन फॉलिंग लाइट, ओके, कंप्लीटेड इन 1833, डन बाई दिलाकरा। नेक्स्ट डिफ्यूज लाइट, ये वाली पेंटिंग्स भी ध्यान से देख लें, लैंडस्केप से। एग टेम्परा में बनाई गई थी, अर्ली रेनेसेंस टाइम ड्यूरेशन फ्रेस्को पेंटिंग, दिस वन इज डन इन एग टेम्परा टेक्निक। एंड ग्लेजिंग में कंप्लीट किया गया है, डेप्थ ऑफ कलर, दिस वन इज डेप्थ ऑफ कलर, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डेप्थ ऑफ कलर डन बाई 1433 बाई जैन वैन आइक, जैन वैन आइक की वाली पेंटिंग्स हैं। जैन वैन आइक क्यों पॉपुलर हैं, ऑयल कलर के लिए। वेरी गुड इवनिंग ज्योति, रेखा, अंश, हेतु एंड एवरीवन। नेक्स्ट, नाइफ पेंटिंग में प्रॉपरली कंपोज्ड किया गया है, ठीक है। एप्लीकेशंस यूज किए गए हैं, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नाइफ्स। पिक्चर्स देख लें तो जिससे आपका विजुअलाइजेशन पावर भी स्ट्रांग हो जाएगा, और एग्जाम में इस तरह की पेंटिंग्स के पिक्चर्स देकर पूछे जाते हैं। पेस्टल्स में ये वाली बनाई गई हैं, डन बाय एडवर्ड डीगास 1899। तो ये वाली इनकी पेंटिंग ध्यान से देख लीजिए, एडवर्ड डीगास की विविड स्केच, ओके, दिस वन इज विविड स्केच डन बाय एडवर्ड डीगास इन 1899। एंड द नेक्स्ट वन लिथोग्राफी, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट।
कलर्स थ्योरी, तो कलर्स थ्योरी के बारे में तो आपको अच्छे से डिटेल में पता ही है। प्राइमरी कलर्स रेड, येलो एंड ब्लू, देन मिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी रेड येलो मिक्स टू मेक ए सेकेंडरी कलर्स ऑरेंज, येलो एंड ब्लू मिक्स टू मेक ए ग्रीन कलर्स, ब्लू एंड रेड ऑल्सो मिक्स टू मेक ए वॉलेट पर्पल कलर्स। तो ये रेज ऑफ प्राइमरी कलर्स आपके ब्लू हो गए एंड द नेक्स्ट वन येलो एंड रेड। अब इनको मिक्स करने पर आपका सेकेंडरी बना पर्पल कलर्स, ग्रीन कलर एंड ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे ये जो रेज दिख रहा है ये वार्म कलर्स का रेज है, यहाँ तक जा रहा है, इधर से जो इंक्लूडेड हो रहा है ये कूल कलर्स में इंक्लूडेड हो जा रहे हैं। ओके, वेरी गुड इवनिंग मोनाली। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इनको समझ लें बस। प्राइमरी कलर्स आपको पता होता है थ्री हैं, रेड येलो ब्लू, फिर मिक्स करने पे ऑरेंज पर्पल एंड वॉलेट कलर्स बन जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट कलर, जैसे येलो का पर्पल, ब्लू का रेड, सॉरी रेड का ग्रीन एंड ऑरेंज का ब्लू, ऑरेंज का ब्लू, येलो का पर्पल, ये अपोजिट कलर्स हैं। ये वाली पेंटिंग्स भी इम्पोर्टेंट कही जाएगी, अल्टामरीन एंड वर्मिलियंस कलर्स को यूज़ करके बनाया गया है। प्राइमरिसेस दिस वन, येलो ऑकर, जो भी इम्पोर्टेंट पेंटिंग है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये 20th सेंचुरी वाली याद रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। प्री हिस्टोरी के से स्टार्ट करते हैं, प्रागैतिहासिक काल से। बेसिकली टाइमिंग तो आप ज़रूर याद रख लें, एंशियंट इजिप्शियन 3000 to 300, यूरोपियन ब्रॉन्ज एज 2500 BC to 1800, मिनियन आर्ट, माइसिनियन आर्ट, ग्रीक आर्ट, कैनावा एंड नेक्स्ट बाइजेंटाइन, हेलेनिस्टिक। तो ये प्रॉपरली सबके ईयर दिए हुए हैं और उनका टाइम मेंशन किया गया है। सो दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग, बाइसन, बाइसन मोस्ट फेमस केव पेंटिंग, टाइम ड्यूरेशन 1300 BC, डन इन दिस पेंटिंग अल्तामिरा इन स्पेन। अल्तामिरा पेंटिंग 1879, जिसकी खोज मारिया सांतोला ने की। ये वाली पेंटिंग ना भूलिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है। अगर टाइम पूछ लिया जाए यूरोपियन केव्स, टाइम ड्यूरेशन 30,000 to 1,000 BCE। ओके, ये प्रॉपरली डिस्क्रिप्शंस मेंशन किए गए हैं। ये वाली भी पेंटिंग इम्पॉर्टेंट है, लॉयंस, लॉयंस आपको देखने को मिलेगा फ्रांस में। द शर्ट, द सेफ्ट ऑफ द डेड मैन, डन बाय दिस पेंटिंग इन 1940 केव ऑफ लेस्को। ये वाली पेंटिंग आपको लेस्को केव में देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियन केव एंड रॉक आर्ट, तो ऑस्ट्रेलियन केव एंड रॉक आर्ट का टाइम 40,000 to 70-80 टाइम ड्यूरेशन। देखिए ये वाली जो पेंटिंग है, ये वाली, इसका नाम है द लाइटिंग ब्रदर्स, और ये वाली जो पेंटिंग है इनका नेम है वैंडेन पेंटिंग, अफ्रीकन केव एंड रॉक आर्ट, हंटर विथ वोमन, ये वाली पेंटिंग्स है, ये पेंटिंग्स है, सैमनिस्ट इमेज विथ आइलैंड। एग्जामिनर कुछ मुश्किल नहीं पूछते हैं, बस ऐसे ही नॉर्मली पेंटिंग्स देख के पूछ लेंगे किस टाइम ड्यूरेशन की ये पेंटिंग है, किसने बनाया, किस केव में बना। द वाइट लेडी, दिस वन इज द वाइट लेडी, पोर्टेबल फिगर, बाइसन कार्विंग, ये वाली पेंटिंग्स हैं बाइसन कार्विंग, एंड दिस वन इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। क्यों फेमस है, क्योंकि वीनस ऑफ वेलेंड्राफ वर्ल्ड की फर्स्ट पेंटिंग, फर्स्ट स्कल्पचर कही जाएंगी, पहली मूर्ति वीनस ऑफ वेलेंड्राफ, ऑलरेडी ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है।
पिक्चर देख के भी नहीं पूछा गया, बट हाँ थ्योरीज पूछी गई है। 2400 BC 11 सेंटीमीटर साइज, प्रेजेंटली एग्जिबिट इन नेट्रबस्टियन वियना स्पेन में एग्जिबिट है। ऑल मे बेबी, दिस वन ऑल मे बेबी एंड दिस पॉट विद स्कल्पचर शब्द हेड। नेक्स्ट कॉलिंग मेन फिगर दिस वन एंड पॉट विद होल डिजाइन दिस वन। दिस वन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉग बर्ड मैन फिगर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असीरियन विंग्ड फिगर्स इम्पॉर्टेंट है ये भी। अब आपके असीरिया के फेमस वर्क किंग शैमन सेकंड्स पोर्ट्रेट दिस वन एंड दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। अश्मनिश एट द लॉयन हंट, ये भी आपको सीरिया में ही देखने को मिल जाएगा। अब बेबीलोन का मॉसिस ये वाला ध्यान रखिएगा, अगर ये पिक्चर देख के एग्जामिनर आपसे पूछ लिया कि मॉसिस कहाँ पर है तो बेबीलोन का मॉसिस। नेक्स्ट द वरीपर्स ऑफ सेब्स ये वाला है, गैंड ग्रिफ। द फ्यूनरी मास्क ये वाला पिक्चर। अब इजिप्शियन शुरू हो जाते हैं। अभी आपने मेसोपोटामिया देखा, इजिप्शियन का देख लीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस्ट ऑफ नेफर्टिटी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पिक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द एमुलेट इन द फॉर्म ऑफ वेल्चर। इसकी पूरी थ्योरीज है, बायोग्राफी। नेक्स्ट मैं सिर्फ जस्ट आज पिक्चर आपको शो कर रही हूँ कि एग्जाम में अगर आपके पिक्चर्स आए तो आपका रॉन्ग ना हो यहाँ से। ये मम्मी वाला है, मम्मी केस। इजिप्ट बेसिकली मम्मी के लिए फेमस ही रहा था, इजिप्शियन फ्यूनरी आर्ट। द कानपुर जार है ये, ठीक है, जार में फेसेस बनाए गए हैं। पिक्चर देखिए बहुत ध्यान से देख लीजिए, इन्हीं में से आपके पिक्चर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, फॉलिंग इन द मार्सेस। द वाइटिंग ऑफ हर्ट अगेंस्ट द फीचर्स ऑफ ट्रूथ, ये वाली पेंटिंग्स है। ये मम्मी है, इजिप्शियन स्कल्पचर। ये वाला स्कल्पचर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ सैफर, सैफरन का है स्टैचू। ये देखकर कुछ आपको याद आ गया, जाहिर सी बात है, इट्स नॉट मोनालिसा, ग्रेट स्फिंक्स। ओके, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा। ओके, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ मैं इम्पोर्टेंट मेंशन कर दे रही हूँ। बाकी रही बात इसकी थ्योरी, इसकी तो थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ही रखी। बस्ट ऑफ नेफर्टिटी, दिस वन इज बस्ट ऑफ नेफर्टिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटली कहाँ पर एग्जिबिट है, आज मैंने इवनिंग वाली क्लास में ये क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा आइलैंड म्यूजियम जर्मन में है। ये आईज पे फोकस कीजिए, वन आईज ब्लाइंड शो हो रहा है पिक्चर में, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ आप देखें, क्योंकि देखिए यूजीसी नेट क्या होता है, ये एग्जाम बच्चों के लॉजिक को चेक करते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर तो रहे हैं ना,
इनमें वन आईज है बट वन आईज ब्लाइंड शो किया गया है, इनको तो नहीं भूलिएगा। स्टैच्यू ऑफ होरस, दिस वन इज स्टैच्यू ऑफ होरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेड ऑफ सोल्जर टेराकोटा आर्मी, दिस वन। अब आपका शुरू हो जाता है सिविलाइजेशन ऑफ द ईस्ट। अब ईस्ट के सिविलाइजेशन में आपको एक यक्षी फिगर याद रखनी है, दिस वन इज यक्षी फिगर, ओके। दिस वन इज लर्न कैपिटल एंड दिस इज ऑफ मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की सेल्स ये इंटाग्लियो टेक्निक में उकेरी गई हैं, इंग्रेव्ड की गई हैं। अशोका पिलर्स लर्न कैपिटल याद रखना है आपको सानात का। दिस वन इज व्यू ऑफ एक्रोपोलिस, ठीक है, गिदान का। एंशियंट ग्रीक स्टार्ट होता है, ग्रीक में आपको क्लासिकल एज इम्पॉर्टेंट है, हेलेनिस्टिक इम्पॉर्टेंट है, आर्केक इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है, ये चारों आपके इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से आपका दो बेनिफिट्स है, एक तो आपका वेस्टर्न आर्ट भी तैयार हो रहा है, साथ के साथ आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, नेटवर्क इश्यूज वगैरह कुछ भी ऐसा होगा तो आप बता दीजिएगा। होरस ऑफ सेलन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस स्कल्पचर हैं ये वाले। ये भी इम्पॉर्टेंट है, द लिडवेशन थ्रो और थ्रोन ऑफ वीनस फ्रॉम विला लुडवेस, इम्पॉर्टेंट। ओके रेखा, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। हाँ एक बात ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा थ्योरीज वगैरह मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज नहीं आने वाली हैं, बस जस्ट नॉर्मली पिक्चर्स देख के आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पिक्चर्स पे कंसंट्रेशन बनाए रखिए, कंसंट्रेशन प्रॉपरली बनाए रखिए कि अगर इनमें से कोई भी पिक्चर आ गए, अभी तो मैं पेंटिंग शुरू करूँगी तो आपको अच्छा लगेगा। मिनोन पॉटरी है ये, और ये है फ्यूनरी मास्क, दिस वन इज फ्यूनरी मास्क। द बुल लिपिंग फ्रेस्को में बनाई गई है ये फीमेल फिगर, दिस वन। ग्रीक का आर्केइक एज है, तो आर्केइक एज का आपको एक ये वाला नहीं भूलना है, ए एनलेक्सल ग्रॉग हेड, और दूसरा द हेड ऑफ ऑक्सरा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट कहा जाएगा, जार वाला, ठीक है, अमेजन क्वीन का है, ऑर्केस्ट्रा ट्रेडर्स ऑफ द वंडर्ड। स्टैचू ऑफ ज्यूस एंड फेरोडिन, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा स्कल्पचर है ये वाला, द स्पेयर्स कैरियर्स, डिस्कस थ्रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला स्कल्पचर नहीं भूलिएगा, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट मेंशन कर दे रही हूँ। ग्रीक का डिस्कस थ्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। वेरी गुड इवनिंग, द ड्राइंग क्लासेस आई थिंक सीखा है ना, वेरी गुड इवनिंग शिव। ये वाला स्कल्पचर आपको ध्यान में ही रखना है, भूलना नहीं है। देखिए एक वन हैंड रेस्ट पोजिशन में, जो भी मुझे लग रहा है कि हाँ एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं, वहाँ पे मैं थोड़ा स्टेबल होकर आपको बोल दे रही हूँ, ध्यान दीजिए। दस पर कार्विंग, ये वाला भी स्कल्पचर इम्पोर्टेंट है, टू डायमेंशनल में बनाया गया है। द लिफर द लिफ्ट फिगर्स ए सेंटर, ये वाला देखिए हेनरी मटाइस का है, द डांस करके जो है उनका स्कल्पचर। अब शुरू हो जाता है हेलेनिस्टिक एज, विनस ऑफ मेलो, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर विनस ऑफ मेलो हेलेनिस्टिक एज का है।
ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये वाला स्कल्पचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कल्पचर है, ठीक है। इसका नेम क्या है? लॉकोन एंड हिज सन्स, लॉकोन एंड हिज सन्स। ये स्कल्पचर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। द फीमेल हर्कुलस। अब आपका एंशिएंट रोम शुरू हो जाता है। रोम क्या है सच? वुमेन सेलिंग्स क्यूपिड्स, ये वाला ध्यान रखिएगा बस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है। रोमन स्कल्पचर्स में ये वाला स्कल्पचर इम्पोर्टेंट है, तो ज़ूम कर लेती हूँ। ऑगस्ट ऑफ प्राइमा पोर्टा, अर्ली क्रिस्टेटिक एंड बेंजाइटाइन शुरू हो गया है। चलिए इसको अच्छे से देखिएगा। अर्ली क्रिस्टेटिक एंड बेंजाइटाइन का ये वाला बहुत फेमस है। दिस वन द रेजिन ऑफ लेजर्स स्कैंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये वाला भी आई थिंक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। द थ्री हर्बर्स इन द फायरी फ्रेंड्स, द गुड शेड्स। द बाबरी आइवरी इम्पोर्टेंट। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाइजेंटाइन आर्ट का नेम है। ज़ूम कर लेती हूँ उस पेंटिंग के बारे में, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इम्परर जस्टिनियन एंड अटेंडेंट्स, ठीक है, ये वाला है इम्पॉर्टेंट, मेंशन कर दे रहे हैं बाइजेंटाइन का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बाइजेंटाइन आर्ट में बनाया गया है। द एनेस्टस डिसेंट इनटू लिम्बो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी गुड इवनिंग प्रिया। टाइम ड्यूरेशन सेंट मार्क ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सेंट मार्क सेंट ग्रे ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ ज्वेलरीज वगैरह मेंशन की गई हैं। विकिंग आर्ट एंग्लो सैक्सन क्लैटिक आर्ट, देखिए जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैं स्टॉप होंगी, ये देख लीजिए इम्पोर्टेंट है। फोलियो 34 फ्रॉम द बुक ऑफ किल्स, आर्टिस्ट अननोन है। द बुक ऑफ केल्स के छोटे छोटे से बायोग्राफी को कंपोज करके जूम इट में बताया गया। इस्लामिक कैलीग्राफीज मोज़ेक, देखिए ये वो इम्पोर्टेंट है, ये सब देख लीजिए। बुद्धिस्ट आर्ट
स्टैंडिंग बुद्धा, ये वाला इम्पोर्टेंट है, स्टैंडिंग बुद्धा। अमरावती, ये है अमरावती का स्तूप, उसके बारे में थोड़ा सा अंदर का उसका होल थ्योरी। और ये आपका है तारा। हिंदू आर्ट, सूर्य टेम्पल ऑफ कोणार्क, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है द सावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसलिए क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी ये पूछा गया क्वेश्चन है। शिव नटराज ऑफ चोल पीरियड, टाइम ड्यूरेशन, शिव नटराज इम्पोर्टेंट, ठीक है, चोल टाइम ड्यूरेशन का है। साउथर्न एशिया, बैरबदूर स्तूप, दीज वन इज बैरबदूर स्तूप, नाउ प्रेजेंटली इन जावा इंडोनेशिया, टेम्पल ऑफ बैरबदूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैरबदूर के अंदर की एक कार्विंग स्कल्पचर है, ये वाली। अंकोर वाट टेम्पल, आपने नेम सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो दिस वन। 65 मीटर अंकोर वाट, वेयर इज लोकेटेड, कंबोडिया। The Buddha at the moment of victory. This one very important. Silver bottle, Tang Dynasty time duration. This one also very very important. So now we can start the explain of East Asia. The groom with horses. This one, the groom with horses. Song dynasty time duration. Central America. Vessel. Temple of the Jagora, Romanesque and Gothic art, the Last Judgment in the time of Romanesque. You know, आपको पता है कि माइकल एंजेलो ने भी द लास्ट जजमेंट बनाया, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। अर्ली क्रिश्चियन इटालियन आर्ट, निकोलस जियोनी पिसानो का आपने नाम सुना होगा, ये उनकी बायोग्राफी के बारे में यहाँ पर थ्योरीज एक्सप्लेन की गई हैं। ये है पल्पिट, दिस वन इज पल्पिट, वर्जिन एंड चाइल्ड, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योटो का। एडरेशन ऑफ द मागी, वैसे तो मोज़ेक की वंदना लियोनार्डो दा विंसी ने भी बनाए हैं, बट ये रोमनेस्क टाइम ड्यूरेशन का एडरेशन ऑफ मागी है। वन ऑफ द सिक्स रिलीफ अराउंड कंपोज्ड साइज 4-6 सेंटीमीटर पेसा इटली में है। सीमा बुए का नाम सुना होगा आपने, सीमा बुए ऑल्सो इटालियन आर्टिस्ट, अर्ली कृष्ण अर्ली टाइम ड्यूरेशन, प्रारंभिक पुनरुत्थान काल, लोरेंजेटी, तो ये उनकी पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग का नेम है मैडोना इनथ्रोड, दूसरा है सियाबिया का गुड
गवर्नमेंट इन द सिटी दिस वन. दोषियों दी बनशंका है द मैडेना एंथ्रोनॉड दिस वन. ये वाला दूसरा है रिवर साइड्स इन द माश्टा ज्योतो. ज्योतो की कुछ पेंटिंग्स हैं, थ्योरीज भी मेंशनड है यहाँ पर. अगर आप चाहें तो इनकी थ्योरीज प्रॉपरली पढ़ सकते हैं. ये वाला फेमस है स्क्रॉइंग चैपल, ठीक है, इम्पोर्टेंट है. और दूसरी ये वाली पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, इस पेंटिंग का नेम है द लेमेंटेशंस ऑफ क्राइस्ट. अच्छे से देख लीजिए पेंटिंग. दूसरा एडोरेशन ऑफ द मागी फ्रेस्को में बनाया गया है 1305 में. एक ये वाला है क्यूरेफेक्स करके. अब यहाँ से पेंटिंग एक्चुअल में स्टार्ट हो जाती है और इम्पोर्टेंट कही जाएंगी ऑलमोस्ट सारी. सिमोन मार्टिनिक की पेंटिंग है. पेंटिंग का नेम है द लेमेंशंस ऑफ क्राइस्ट इंटरनल गॉथिक आर्ट. पिसानेलो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. ये है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इम्पोर्टेंट. दूसरी ये वाली है ग्यूनिया फ्लो. हाई रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट स्टार्टेड द टाइम ऑफ 1500 to 1520. देन वेनेटन्स रिनेसेंस 1450 to 1580. मैनरिज्म 1520 to 1610 टाइम ड्यूरेशन. पता है इस बुक में मुझे क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें डिवाइडेशन बहुत अमेजिंग तरीके से किया गया है कि वेस्टर्न आर्ट इतना आसान लगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. इटालियन रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट नाउ विल बी स्टार्टेड. डोनाटेलो मसाचियो फ्रांजेलिको बोटिशेली सबकी पेंटिंग्स. ये वाली इम्पोर्टेंट है द डेड क्राइस्ट सपोर्ट बाय द एंजेलो. माइकल एंजेलो का डेविड है. लियोनार्डो दा विंसी मोनालिसा एंड रफेल द स्कूल ऑफ एथेंस. कैरावेजो जुपिटर एंड टिशियन वीनस ऑफ अर्बिनो. लोरेंजो गिबर्टी. ये गेट बहुत ध्यान से देखिएगा. दिस वन इज गेट्स ऑफ पैराडाइज. तो इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर गेट्स ऑफ हेल किसने बनाया था ये आप मुझे बताएंगे. ओके अच्छे से स्क्रीन क्लियर शो कर रहा है ना, किसी को कोई टेक्निकल इश्यूज वगैरह तो नहीं है. चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. गेट्स ऑफ पैराडाइज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है. प्रिया सिंह मैम एक्सप्लेनेशन कर दिया करें. ओके श्योर. देखिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पिक्चर्स देके फोटोज देकर पूछ लिए जाएंगे, तो इसलिए मैं पिक्चर्स दिखाकर पूछ रही हूँ आपसे. तो ये आपका है गेट्स ऑफ पैराडाइज, लोरेंजो गिबर्टी के थ्रू बनाया गया. लोरेंजो गिबर्टी जो है वो अर्ली रिनेसेंस टाइम ड्यूरेशन के आर्टिस्ट हैं. ओके ज्योति वेरी गुड. तो ये इनका आपको भूलना ही नहीं है, गेट्स ऑफ पैराडाइज याद कर लिए. इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर गेट्स ऑफ हेल ऑगस्ट रोडिन ने बनाए थे. फिलिप्पो ब्रुनेलेसी का नाम सुना होगा. ओके ज्योति वेल डन. ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है. रोडिन गेट्स ऑफ हेल वेरी गुड. प्रिया देखिए
जितने भी आप आर्टिस्ट आप देख रहे हैं ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि ये अर्ली रेनेसेंस है, तो आप ध्यान दीजिए कि ये प्रारंभिक पुनरुत्थान काल के हैं, क्योंकि कलाकार को देख के नॉर्मली पूछ लिया जाता है कलाकार किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। फिलिप्पो ब्रुनेलेसी, ही वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड अर्ली रेनेसेंस आर्टिस्ट। ये इनकी है द सैकफिश ऑफ आइसक जेकोपो देला। इनकी भी फेमस तो नहीं उतनी है, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। पॉलो चेलो, इनकी बैटल ऑफ, ये वाला याद रखिएगा, बैटल ऑफ सैन रोमनस, बैटल ऑफ सैन रोमनस रोमानो, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड सीरीज है। पॉलो चेलो, जिन्होंने पर्सपेक्टिव की खोज किए थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलो चेलो का। इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, पेंटिंग का नेम है द हंट इन द फॉरेस्ट, द हंट इन द फॉरेस्ट 73x177 सेंटीमीटर में बनाया गया है, ऑक्सफर्ड यूके में प्रेजेंटली एग्जिबिट है। हेलो अपूर्वा, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको अच्छा भी लग रहा होगा क्योंकि अर्ली क्रिश्नाइटिक से, सॉरी, अर्ली रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट से एक्चुअल में थ्योरी शुरू हो जाती है पेंटिंग से रिलेटेड, जहाँ से एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है। फ्रा एंजेलिको, फ्रा एंजेलिको की प्रॉपरली ये लाइफ लाइन है, फ्रा एंजेलिको की ये है द अनक्षण, इम्पोर्टेंट है ये वाली पेंटिंग। डोमिनिको वेनेजिनो, ये इनकी फेमस पेंटिंग है, पेंटिंग का नेम है द मोंटेफेल्ट्रो अल्ट्रापेस, ये वाली पेंटिंग इम्पोर्टेंट कही जाएगी। ठीक है, ये पेंटिंग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट कहा जाएगा आपके एग्जाम के पर्पस से। एंटोनियो दे मेसेना, डोमिनिको घिरलैंडियो, डोमिनिको घिरलैंडियो की ये वाली पोर्ट्रेट आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है जियोवन्ना की। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली पेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेंटिंग का नेम है द बर्थ ऑफ द वर्जिन, ठीक है, द बर्थ ऑफ द वर्जिन। आंध्र मांतेग्ना, इनका नाम आपने काफ़ी बार सुन रखा होगा, अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं, अल्टर पेस ऑफ द जीनो ऑफ वेरोना, ये वाली पेंटिंग है इनकी बहुत फेमस। सांड्रो बोतिचेल्ली, सांड्रो बोतिचेल्ली का ऑलरेडी ये जो स्क्रीन पे पेंटिंग आपको दिख रहा है ये पूछा गया पेंटिंग है, तो क्या नाम है पेंटिंग का जल्दी बताइए, यू नो गेस कीजिए। हाँ बिल्कुल, द ड्राइंग क्लासेस बोल रही है, इस बुक में पेंटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बुक में मोस्टली इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स को ही कैप्चर किया गया है मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, और यूजीसी नेट में जितनी बार भी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं सब इसी बुक के ऑलमोस्ट अभी तक पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये वाली पेंटिंग्स का नाम कुछ याद आया आप लोगों को, द बर्थ ऑफ वीनस, द बर्थ ऑफ वीनस,
द एडोरेशन ऑफ द मागी इन्होंने भी बनाई है। वैसे तो मोस्टली ज़्यादा इम्पोर्टेंट लियोनार्डो दा विंची का है, बट हाँ इनका ध्यान रखिए। वेरी गुड प्रिया एंड एवरीवन। मैडोना एंड चाइल्ड इनका याद रखिएगा, पिक्चर्स देख के ध्यान में रखिए। अगर एग्जामिनर ने पिक्चर देख के आपसे पूछे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सांद्रो बोटिशैली की जी की देखिए पेंटिंग की इनके स्टोरीज में डिवाइडेशन किया गया है। अभी जो आपने देखा है उसी पेंटिंग का है, द बर्थ ऑफ वेनस। नहीं आई थिंक शिखा हो ना, नाम आपने चेंज किया है, मैं किसी को भूल ही नहीं हूँ। ठीक है नाम आप लोग अपनी आईडी चेंज कर लेते हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लियोनार्डो दा विंची इनकी पूरी बायोग्राफी यहाँ पे मेंशन की गई है। अच्छा सॉरी हाँ कीर्ति ओके। हेड ऑफ यंग वुमेन ये वाली याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची की, द अनाउंसेशन नथिंग ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इनकी ये वाली बहुत ज़्यादा फेमस है, मैडोना ऑफ द रॉक्स। ठीक है मैडोना ऑफ द रॉक्स, टेक्निकल ड्राइंग फ्रॉम नोटबुक ये भी लियोनार्डो दा विंची की है। दिस वन ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर, क्या नाम है आप बताएंगे? कुछ पेंटिंग्स हैं ना जिसमें आपको मौका मिलना चाहिए, जल्दी से बताइए कौन सी पेंटिंग है। मैडोना ऑफ द रॉक्स वेरी गुड कीर्ति, ये वाली बताइए जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर दूं। वेरी गुड एग्जैक्टली कीर्ति ने बिल्कुल राइट आंसर किया, लवली मोनालिसा। वाह प्रिया एग्जैक्टली मोनालिसा, मोनालिसा जिसमें मिस्ट्री को शो किया है लियोनार्डो दा विंची में। इनकी स्माइल में मिस्ट्री है, आईब्रोज नहीं है, और बैकग्राउंड में क्या पूछा जाता है क्या है, तो ये बैकग्राउंड में ध्यान रखिए लैंडस्केप्स बनाए गए हैं। ठीक है और पॉपुलर वुड पर बनाई गई है, सरफेस कौन सा है तो पॉपुलर वुड है। इनका हैंड रेस्ट पोजीशन में है, लेडी विद आई मीन ये वाली भी याद रखिएगा, इन्हीं के थ्रू बनाई गई है। दिस वन आपको मौका मिलना चाहिए, बताइए इस पेंटिंग का क्या नेम है। वेरी गुड इवनिंग निशात। अब यहाँ से मुझे लगता है मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा, आप पिक्चर्स देख के ही जजमेंट कर देंगे। फटाफट से बताइए कौन सी पेंटिंग है, रेखाओं को मर्ज किया गया है। हाँ बिल्कुल कीर्ति, ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इनका क्या नेम है, द लास्ट सपर। वेरी गुड प्रिया एंड कीर्ति, ज्योति अंतिम भोज। एग्जैक्टली अंतिम भोज डन बाय लियोनार्डो दा विंची। तो देखिए मेन पर्पस मेरा यही है, इसीलिए मैं आपको पेंटिंग्स दिखा रही हूँ कि एग्जामिनर पिक्चर्स देके पूछे तो आपके मार्क्स यहाँ से एक भी नंबर कट नहीं होने चाहिए। द लास्ट सपर की पूरी यहाँ पे थ्योरीज एक्सप्लेन की गई हैं, तो इतनी लंबी चौड़ी थ्योरीज का तो ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कब तक बनाया गया, कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। मिलान इटली में है, लियोनार्डो दा विंची के थ्रू बनाया गया। माइकल एंजेलो की पूरी थ्योरीज यहाँ पे एक्सप्लेन है। इनकी मॉसेस ये वाला भी याद रखना है आपको, डेविड ये इनकी डेविड है, ये इनकी मॉसेस है माइकल एंजेलो की, और ये पिएटा है। ठीक है तीनों स्कल्पचर सामने दिख रहा है, पिएटा को ध्यान से देखिए, मॉसेस को ध्यान से देखिए और डेविड को ध्यान से देखिए। आपके एग्जाम में इन्हीं को उठाकर रख दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, मॉसेस को पहचान लें, डेविड कौन सी है, पिएटा कौन सी है, राइट। आगे चलें, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। देखिए इनकी हॉली फैमिली बहुत बार आपने पढ़ रखा है, देख लीजिए यही है हॉली फैमिली। ठीक है हॉली फैमिली दीज वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द क्रिएशन ऑफ एडम।
द क्रिएशन ऑफ एडम, द क्रिएशन ऑफ ईवा, फायर सैक्रिफाइस ऑफ नू, ये सारी जो बनाई गई हैं पैनल्स पेंटिंग, इनको भी आपको याद रखना ज़रूरी है। इस पेंटिंग का हाफ पोर्शन अभी आपने देख रखा है, ये हाफ पोर्शन है इनका, कंप्लीट यहाँ पर है और हाफ पोर्शन ये वाला है। तो बुक इतनी बड़ी बुक है कि फोटोज़ बस मैंने कैसे कैसे ही मैनेज करके क्लिक किया है। चलिए अगला देखते हैं, द सिस्टाइन चैपल, दिस वन इज द सिस्टाइन चैपल, इनकी थ्योरीज 300 फिगर। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है, ये वाला लाइन मैं पढ़कर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, द फेल ऑफ द मैन। चलिए ये थ्योरीज देख लेते हैं, द सिस्टाइन चैपल टू पेंट द सीलिंग्स फ्रेस्को, माइकल एंजेलो वर्क अनकंफर्टेबली ऑन द 4 years विदाउट हेल्प विद इन, मतलब कोई पर्टिकुलर टूल्स वगैरह को नहीं यूज़ किए, 300 फिगर्स का इन्होंने यूज़ किया है, कंप्लीट किए हैं 1508 to 1512 में, और इसका साइज है 13.75 x 39 meters, वेटिकन सिटी रोम। ओके ग्यारह बजे क्लास ऑफ होगा। राफेल सैंजियानी पोर्ट्रेट ऑफ दी आल्सो कंक्लूडेड राफेल। जल्दी से बताएं इसका नेम क्या है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा निशान, क्या नाम है इनका? क्या 11 बजे तक आप लोगों का नेटवर्क करेगा? तो 11 बजे तक क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, अदरवाइज अगर आप सभी के साइड से नेटवर्क इश्यूज हो जाएंगे तो क्लासेस ऑफ कर दी जाएंगी, ठीक है? लेकिन देखिए जल्दी से जल्दी 2 दिन में ये बुक को मुझे कवर अप कराना है। जिनका एग्ज़ाम है ऑफ कोर्स वो तो पूरा ही देखेंगे, नेट अगर नहीं भी होगा तो उनको बाद में देख लेना होगा, तो इस वजह से मुझे कम्प्लीट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्लासेस आपकी 11 बजे तक होंगी, ठीक है? बताइए इस पेंटिंग का क्या नाम है? द स्कूल ऑफ एथेंस। अच्छा ज्योति, कोई बात नहीं, आप ध्यान से देख लीजिए पिक्चर, अच्छे से देखिए, द स्कूल ऑफ एथेंस इसका नेम है और ये राफेल की हैं। अब इनकी थ्योरीज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर इनसे पूछ लिया जाए 5 क्वेश्चन, यही सारे कुछ कुछ हैं पेंटिंग जिनसे 5 क्वेश्चन बनने के चांसेस है। द स्कूल ऑफ एथेंस, दिस इज द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन द फर्स्ट रूम राफेल, डेकोरेटेड फ्रॉम जूलियस सेकेंड इन द वेटिकन, द रूम वॉज प्रोबेबली यूज एज ए लाइब्रेरी। राफेल create this imaginary assembly of some of the greatest minds of antiquity, done this painting 1509 to 1511 fresco technique, presently exhibit in Vatican City. Okay, very good evening Mahesh, kaise hain aap? चलिए अब अगला देखते हैं, तो इनको द स्कूल ऑफ एथेंस को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये वाली भी पेंटिंग इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए, पहले पिक्चर देखिए ये वाली पेंटिंग, अब इनकी थ्योरीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द ट्रिम्प ऑफ गैलन, राफेल आल्सो डिपिक्टेड दिस पेंटिंग, द साइज ऑफ दिस पेंटिंग 295 to 25 सेंटीमीटर, डन दिस पेंटिंग इन 1511, प्रेजेंटली एग्जिबिट इन रोम इटली। अच्छा थैंक यू सो मच महेश, चलिए अगला देखते हैं, ये वाली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रम्प ऑफ गैलेट स्टडी, ये वाली पेंटिंग्स हैं, ट्रम्प ऑफ गैलेट ये वाली पेंटिंग है,
और ये भी इम्पोर्टेंट है, द ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी बार आप लोगों ने याद कर रखे हैं, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन कोई नई पेंटिंग नहीं है, ऑलरेडी आपने याद किया है, तो आज इसके पिक्चर्स देख लीजिए। रफेल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, इसकी थ्योरीज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या पता इन्हीं में से किसी में 5 क्वेश्चंस बन जाएं। दिस वाज रफेल्स फाइनल लार्ज वर्क, ओके, एंड कंप्लीटेड इन दिस पेंटिंग 1518-20 ऑयल ऑन वुड। साइज ऑफ दिस पेंटिंग 405x278 सेंटीमीटर। प्रेजेंटली नाउ इज इट इन वेटिकन सिटी। द सिस्टाइन मैडोना भी आप लोगों ने ऑलरेडी याद कर रखा है, अब इनका पिक्चर देख लीजिए, देख लीजिए। दिस वन इज द सिस्टाइन मैडोना, डन बाई रफेल इन 1512-14 ऑल ऑन कैनवस। साइज ऑफ दिस पेंटिंग 217x201, प्रेजेंटली एग्जिबिट इन जर्मन। आंध्र दिल सातो, अनाउंटेशन, ये वाली पेंटिंग्स है, मैडोना ऑफ द हैप पर्सन, लेडी विद द बुक ऑफ वर्स बाई पैट्स। ध्यान रखिएगा तीनों ही इम्पोर्टेंट है, प्रॉपरली इनकी थ्योरीज भी एक्सप्लेन की गई हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ पिक्चर्स देख के पूछ सकते हैं कि किसकी पेंटिंग है, ये तो ऐसा चुपता खास। कैरावेजो की पेंटिंग इम्पोर्टेंट है, माइकल एंजेलो दी कैरावेजो। मैडोना एंड चाइल्ड विथ एंगल, ये वाला इम्पोर्टेंट, एंजल इम्पोर्टेंट है, ये वाली भी इम्पोर्टेंट है। जुपिटर एंड दी जुपिटर एंड लो, ये वाले पेंटिंग्स हैं, ठीक है। नेटिविटी स्कैन कैरावेजो की है, जॉर्जियानो, जॉर्जियानो का आपको हम द टेम्पेस्ट दिखा देते हैं, ये वाली पेंटिंग याद रखिएगा, द टेम्पेस्ट, जिसको हिंदी में आंधी कहते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी सी थ्योरीज देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये वाली पेंटिंग। 1505 ऑयल ऑन कैनवस, 82x73 सेंटीमीटर, गैलरीज द एकेडमिया वियना इटली में प्रेजेंटली एक्सिबिट है। नेक्स्ट इनकी ये वाली भी पेंटिंग फेमस है, लॉरा, द एजम्पशंस ऑफ द वर्जिन, दिस वन ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, द एजम्पशंस ऑफ द वर्जिन, ये वाली पेंटिंग याद रखिएगा, इनकी थोड़ी सी थ्योरीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1516-18 टाइम ड्यूरेशन ऑल ऑन पैनल, 690x360 सेंटीमीटर, प्रेजेंटली एग्जिबिट इन वियना इटली। कीर्ति पहले ही समझ गई है, मेरे छोटे भाई बहन बड़े परेशान करते हैं, उसे फ़ोन चाहिए था, मैंने बोल दिया नहीं देंगे, तो फिर पीछे से डिस्टर्ब करने लगा। वीनस ऑफ एडोनिस, ये वाले भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई लव दिस पेंटिंग, देखिए इस पेंटिंग का आप एक बार फोटोज देख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्लियर फोटोज आए नहीं है। वीनस ऑफ अर्बिनो टीशियन के थ्रू बनाई गई है, 1538 ऑल ऑन कैनवस, 119x165 सेंटीमीटर इसका साइज है, फ्रांस में है।
विनस ऑफ अरबिनो को जूम करके दिखाया गया, जूमिंग पॉइंट में कॉम्पोजिशन उसका ऐड किया गया। ये वाला व्यू बड़ा यूनिक सा लग रहा है, ये भी उसका जूमिंग पॉइंट है कि कितना, मतलब यूरोप के आर्टिस्ट ने अलग अलग से पर्टिकुलर एक एक फॉर्म पर काम करते थे। जैकोपो तिंटो रातो, देखिए तिंटो रातो की आपको ये वाली पेंटिंग्स याद रखनी है, द माइकल ऑफ सन मार्क फ्रिंग ए स्लैब, ठीक है। और दूसरी ये वाली पेंटिंग्स है स्टडी ऑफ मेल न्यूड फ्रॉम बिहाइंड, ये वाला पेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द लास्ट सपर, ठीक है। किसकी है द लास्ट सपर? टिंटो रातो की, ये वाली टिंटो रातो, अल ग्रेको टिंटो रातो के बारे में आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। नहीं पढ़े हैं तो वेस्टर्न आर्ट, देखिए यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं, आपका वेस्टर्न आर्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे इंडियन आर्ट बिल्कुल रटा रटा आया है ना, वैसे वेस्टर्न आर्ट भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जैकोपो बैसानो, मैं सच बताऊँ तो मेरा सिलेक्शन वेस्टर्न आर्ट के दम से ही हुआ था, उस टाइम ड्यूरेशन में मेरा इंडियन आर्ट उतना स्ट्रांग नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा, अब तो सभी आसान लगने लगे। शुरुआत में जब स्टडी कर रहे होते हैं तो किसी का फेवरेट होता है इंडियन आर्ट, किसी का फेवरेट वेस्टर्न, तो मेरा प्रॉपरली वेस्टर्न आर्ट पर ही फोकस था शुरू से ही। चलिए ये वाला देखिए, द एडोरेशन ऑफ द किंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरीज वगैरह पूरे यहाँ एक्सप्लेन है, आप वीडियोस को पुश कर करके देख सकते हैं। द मैरिज फेस्ट एट कैना, जी जी द ड्राइंग क्लासेस, कीर्ति का क्वेश्चन है मैम, इन्होंने भी बनाया एग्जैक्टली, इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, देख रहे हैं इतनी बड़ी सी पेंटिंग इस पे बुक में दी गई है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं की पेंटिंग से तो कहा गया है, इन्होंने रियलिटी को कॉपी नहीं किया था, थोड़ा सा आर्टिफिशियलिज्म को कैप्चर कर दिए थे। नॉर्थन रिनेसेंस शुरू हो गया, प्रियंका सेस एक दिन मैं भी बनाऊंगी, वाई नॉट, क्यों नहीं, सिलेक्शन के बाद फिर पेंटिंग ही पेंटिंग कीजिए सभी लोग लाइफ टाइम तक। ये वाली पेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैडोना एंड चाइल्ड विथ कैनन जोरेस वैन दी पर, पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन एज्ड 93, दिस वन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ऑफ डन बाय अल्बर्ट ड्यूरर। ज्योति सेज मैम वेस्टर्न आर्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है, नो नो बेटा, वेस्टर्न आर्ट तो सबसे ज़्यादा इजी होता है अकॉर्डिंग टू मी, जिसे आप फेवरेट बना लेंगे वो इजी हो जाएगा। अब जो चीज़ मुश्किल लगती है उनको अपना फेवरेट बना लीजिए। मुझे कभी से वेस्टर्न आर्ट टफ लगा ही नहीं है लिटरली, मैं सच बताई, क्योंकि मेरा BFA MFA प्रॉपरली वेस्टर्न आर्ट से ही रहा था। वेरी गुड इवनिंग सुहाना, ठीक है। तो कुछ ना सोचा करें, कुछ भी टफ नहीं होता है, सब कुछ आसान होता है, जिसे आप वक्त देंगे वो इजी हो जाएगा, या फिर इंडियन आर्ट हो या वेस्टर्न आर्ट। सो यू कैन रीड दिस ऑल लाइंस, देखिए यहाँ पे प्रॉपरली डेट और दिया हुआ है, तो आपको फर्ज बनता है कि मेहनत कीजिए, इनको नोट डाउन करके याद कीजिए। PDF तो ऑलरेडी मैंने आपको ग्रुप में दे ही दिया है। नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है, द वॉल ऑफ मोसेस, द वॉल ऑफ मोसेस क्लाउस साल्टर का है। ज्योति मैं पढ़ा दूंगी वेस्टर्न आर्ट, अभी तो आपके पास 2 दिन है ना, 2 दिन में आपका प्रॉपर वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। जैन वैन आइक की ये वाली पेंटिंग याद रखनी है आपको, द वर्जिन ऑफ सैंडलर रॉलिन, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पोर्ट्रेट ऑफ एरफेलिनो वाला जो आपने पढ़ रखा है ये वही है, द पोर्ट्रेट द एरफेलिनी पोर्ट्रेट जैन वैन आइक 1434 ईस्वी में ऑयल ऑन पैनल्स में बनाए थे, ऑक पैनल 82x60 सेंटीमीटर का साइज है, नेशनल गैलरी लंदन में प्रेजेंटली एग्जिबिट है। द
द एर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट्स का प्रॉपरली जूमिंग पॉइंट में यहाँ पे कैप्चर किया गया है। रॉजर वैन डर वेडन डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस, इम्पोर्टेंट है ये, डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस। ओके, नेक्स्ट ह्यूगो वॉन डर गॉस, ऐसा सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। जीन फॉक्ट का है ये वाला पेंटिंग, वर्जिन एंड चाइल्ड। क्वांटन मैसेस का है, मैडोना स्टैंडिंग विद द चाइल्ड एंड एंजल्स। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए इनको। अब इनकी थ्योरीज है गार्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स, बर्गल द एल्डर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी आपको। अल्बर्ट ड्यूरर के बारे में देख लीजिए, इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। अल्बर्ट ड्यूरर ही वॉज बॉर्न इन 1484 इन जर्मन। इनकी ये वाली पेंटिंग्स इम्पोर्टेंट है, वर्जिन एंड चाइल्ड विथ प्योर, ये वाला। नेक्स्ट ये वाली पोर्ट्रेट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया अल्बर्ट ड्यूरर ने। नेक्स्ट अल्बर्ट ड्यूरर की सेंट जर्मन इन हिज स्टडी, ये वाली पेंटिंग्स है। दिस वन आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, डन बाय अल्बर्ट ड्यूरर, फेस्टिवल ऑफ द रोज गार्डन, रोज गार्लैंडर्स, इम्पोर्टेंट है ये वाली पेंटिंग। सो नाउ वी कैन एक्सप्लेन द मैनरिज्म आर्ट मोमेंट, स्कूल्स मैनरिज्म लाइक ब्रॉन्जेस, पार्मिजियानोस, अल ग्रेकोस पेंटिंग, ये वाला इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। वॉल्टर पार्मिजियानो, जूलियर मानो पार्मिजियानो, रोसेप गोलो, अंको बोर्डिया, ये सारे जो कलाकार हैं ये रीतिवादी मैनरिज्म आर्ट मोमेंट से बिलोंग करते हैं। तो ये वाली पेंटिंग्स देखिए इम्पोर्टेंट है, पार्मिजियानो का मैडोना एंड चाइल्ड विद सेंट जॉन एंड बैप्टिस्ट एंड सेंट जयराम, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मैडोना विथ लॉन्ग नेक, ये यूजीसी नेट ऑलरेडी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया है, लेकिन पिक्चर देख के अभी नहीं पूछा गया है, तो इनको देख लीजिए। मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक अगर आ गया तो आपको याद होना चाहिए इनकी लंबी नोज है ना, ये वाली पेंटिंग्स है मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक। बेनवेंटो सेलिनी, पॉन्तोर्मा, एस एच
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। जाम्बो लौंगना, इनका फाउंटेन ऑफ नेप्शियो ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा द रैप ऑफ सेबाइन, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। जस्पर आर्शियम बोलोडो, ये मोस्टली फ्रूट्स से पेंटिंग्स बनाते थे। ये इसकी इनके स्प्रिंग इम्पोर्टेंट है। इनके सारे पोर्ट्रेट्स देखिए आप, जिसमें फ्रूट्स भी होते थे और उसमें इन्होंने अरेंज कर रखा है फ्लावर फ्रूट्स, इम्पोर्टेंट है। चाइना मिंग डायनेस्टी, दाई जीन सेंस जोए, ये सारे डायनेस्टी के बारे में पूछे जाते हैं ना। तो योन एस एंड स्लीप थ्रो द स्नो, ये वाली पेंटिंग्स हैं। ओल्ड पीन ट्री दिस वन, जैपनीज आर्ट। ऐसा यहाँ से कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली यहाँ के क्वेश्चंस ही आते हैं। पिक्चर्स देखे तो अभी तक पूछा नहीं गया है। क्योटो टाइम ड्यूरेशन का, सेंट्रल एंड साउथर्न अमेरिका, देख लें, ये वाला इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। लामा फिगर, ठीक है, फिगर। इनका पोंशो, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, न्यूयॉर्क में एग्जिबिट है प्रेजेंटली। एग्जैक्ट ये भी सच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बरूक आर्ट मोमेंट का, कैराविजो की आपको ये वाली सेपर एट एमएस याद रखना है, सेपर एट एमएस। मॉन्टनस रिबन्स का, द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस, बर्नीनी का अपोलो एंड डैफने, फ्रांचेस का द लॉफिंग कैवेलियर। तो अभी तक आपने पेंटिंग्स पढ़ रखी हैं, यहाँ पे प्रॉपरली आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, पिक्चर के टाइम भी मेंशन किए गए हैं, इनको याद कर लें आप, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है। बरूक आर्ट मूवमेंट जो स्टार्टिंग हुआ था 1600 और 1750 तक चला, कहाँ पर, इटली में फ्लोरिश हुआ, ठीक है, जिसके फाउंडर कहे जाते हैं माइकल एंजेलो दी कैराबेजियो। ये वाला इम्पोर्टेंट है, बेट्रेल ऑफ क्राइस्ट। रेम्ब्रांड का द नाइट वॉच, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए आज की क्लास में मेरा मेन पर्पस क्या है, आपको थ्योरीज पिक्चर्स के थ्रू कंसेप्ट क्लियर कराना, कि एग्जामिनर अगर आपसे पिक्चर्स पूछ लें तो कंफ्यूज ना हो। तो ये आपका है द नाइट वॉच। पुसीन का दो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, द ऑस्ट ऑफ द फॉक्शन कलेक्शन, और ये वेलास्के का है पॉप इनोसेंट। जॉन वर्मियर का द आर्टिस्ट स्टूडियो, मिरोला का द इमर्शंस ऑपरेशन। अब इनके पिक्चर्स आपको बड़े बड़े से शो करते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट है, यंग वुमेन विद वाटर जग, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर ये पिक्चर्स दे के पूछ लिया जाए तो आप ध्यान में ज़रूर रखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोर्ट्रेट ऑफ द ब्लेस्ड जॉन वॉटन, ये भी इम्पोर्टेंट है।
माइकल एंजेलो मिरर से द कैरावेजो, इनकी सारी पेंटिंग्स मैं आपको जूमिंग पॉइंट में दिखाऊंगी, सभी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ आर्टिस्ट जिनसे हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करते हैं उनका ध्यान दीजिए। सिक बस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी 1593 से 94 तक में बनाई गई है ऑल ऑन कैनवस, जिसका साइज है 66x52 सेंटीमीटर। क्यूरोसिफिकेशन ऑफ सेंट पीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो दिस वन। पूरी थ्योरीज यहाँ पे मेंशन की गई है, आप इनको याद कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट देखिए, ये वाली पेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सपर एट एमस, ये इम्पोर्टेंट कहा जाएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इनकी जो ये वाली पेंटिंग शो हो रही है ना, ये वाली पेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहाइंडिंग ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, ठीक है। ये वाली पेंटिंग जो आपको शो हो रही है ये इनकम्प्लीट है, इसकी हाफ पेंटिंग यहाँ पर कंपोस्ट की गई है, ये वाली है। जल रंजो बर्नीनी, बर्नीनी ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर, बॉर्न इन 1598। इनकी ये वाली है अपोलो एंड डैफने, अपोलो एंड डैफने, तो क्योंकि पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, पिक्चर देख लीजिए अपोलो एंड डैफने का। द कॉर्नर चैपल ये वाला है, सॉरी द कॉर्नर चैपल है ये वाला, अपोलो एंड डैफने तो इनकी यहाँ पर है, ये वाली अपोलो एंड डैफने है, ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये वाला स्कल्पचर, ये अपोलो एंड डैफने है, वो दूसरा था डोमिनिको ग्लैंडियो। सैल्वेटर रोज गिले एसिमर, सिमोन वॉट, पीटर गेट, मिलोफ कॉर्नर इम्पॉर्टेंट है। अच्छा ये वाला भी ध्यान दे दीजिए, इनको भी याद रखिएगा, क्या नाम है, सैरलेले बॉर्नन का ये बनाया गया जो है, स्पेन रिकॉर्डनाइजेशन ऑफ प्री एमिनेंस ऑफ फ्रांस इन 1662, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, अपोलो टैडी विद द निम्फ, मिरोलो, मिरोलो के बारे में मोस्टली आपने सोचा सुना ही होगा, जिनको लाइक तरबूज वगैरह का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेंटिंग बनाते थे, तो यही वाला है उनका फेमस पेंटिंग, टू बॉयज ईटिंग मेलन्स एंड ग्रेप्स, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। सेकेंडरी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ दिस पेंटिंग मिरोलो, इमेकुलेशन क्लियर कंसेप्ट। पीटर पॉल रूबेंस, इनकी पूरी पेंटिंग्स आपको शेयर करूंगी, इम्पॉर्टेंट है। पीटर पॉल रूबेंस ही वॉज ऑल्सो बिलोंग टू बरोक आर्ट मूवमेंट, दिस वन द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस। नेक्स्ट एन ऑटोमन लैंडस्केप विद ए व्यू ऑफ हेटस्टीन इन द अर्ली मॉर्निंग, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
ले सेव दे फिल मैरी दी मेडिसेस अराइविंग एंड मैसल्स। इस पेंटिंग को आप रियल में देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया है। द रेप ऑफ डॉटर ऑफ लिसिपस, लिसिपस की कन्याओं का सील भंग, ये भी बेटा पॉल रबंस का है। नेक्स्ट है एंथनी वैन डाइक, ये उनकी फेमस पेंटिंग है। लॉर्ड जॉन एंड लॉर्ड बर्नट स्मार्ट, जैकॉब बॉर्डेंस, फ्रेंच हेल्स से स्माइल आ जाता है ना फेस पर। द लॉफिंग कैवेलियर, दैट मीन्स मुस्कुराता अश्वरोही। दीज वन ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मुस्कुराता अश्वरोही। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इस पेंटिंग को। और जिप्सी गर्ल ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये वाली भी पेंटिंग आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए पिक्चर्स अपनी आंखों में एकदम कहते हैं ना, ध्यान में रख लीजिए कि अगर आए तो एक भी आपको स्किप नहीं करना है। द बैंकट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट जॉन जॉर्ज सिविस जॉर्ज कंपनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कीर्ति इतने प्यार से बोल रही हैं, जी मैम। रैम्ब्रा हरमन वॉन रिज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट रैम्ब्रांड। द स्टॉर्म्स ऑन द सी ऑफ गैलेना, ये वाला इम्पोर्टेंट है इनका। ठीक है, जैकोबो थर्ड दी जैन, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। यंग वुमेन स्लीपिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए भाई, कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको मैं सारी ही पेंटिंग इम्पोर्टेंट कहूँगी, क्योंकि उनसे रिलेटेड मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो ये तीनों ध्यान में रखिए, पीटर पॉल रबिन्स की पेंटिंग, ठीक है, सॉरी रैम्ब्रा की पेंटिंग, रैम्ब्रा की, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। अगला रैम्ब्रा की द नाइट वॉच, ये वाली है द नाइट वॉच, 1642 में कंप्लीट की गई हैं। द थ्री क्रॉस दीज वन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पेंटिंग देखकर ही पता चल रहा होगा, ऑलरेडी आपको पेंटिंग याद है। ठीक है, तो पेंटिंग जब आपको याद है तो बस उनके पिक्चर्स को आपको ध्यान में रखना है, राइट। सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ रैम्ब्रा, इनके सेल्फ पोर्ट्रेट का साइज वगैरह देख लीजिए, 114x94 सेंटीमीटर, प्रेजेंटली इन लंदन यूके, 1665 ऑल एंड कैनवस डन दिस पेंटिंग। गैरेट ड्यू, ठीक है, गैरेट ड्यू का देखिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये वाली इनके पेंटिंग इम्पोर्टेंट है। मैड सर्वेंट एट द विंडो, ठीक है, मैड सर्वेंट एट द विंडो, अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों ने पिक्चर्स देखने के बाद, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। ये इनका है एना एंड टॉबेट,
नेक्स्ट जैन लिवंस, फायर एंड चाइल्डवुड है ये वाली, दूसरा ये वाली है राइजनिंग ऑफ लेजरस। ये बहुत ज़्यादा ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। जॉन वॉमियर, ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कोई बात नहीं ज्योति, चलिए देखिए जॉन वॉमियर की गर्ल विद अ पर्ल इयररिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, बीएफए वगैरह में ओल्ड मास्टर कॉपी करने के लिए स्टूडेंट्स को इन सारे पेंटिंग्स को कॉपी करनी होती है। वी ऑफ डेल्फ्ट ये वाली है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द मिल्क मैड, जॉन वॉमियर की द मिल्क मैड, न जाने आपने कितनी बार मेरे साथ अटेंड किया है, सॉल्व किया है, तो ये वाली पेंटिंग्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द आर्टिस्ट, द आर्ट ऑफ द पेंटिंग, द आर्टिस्ट स्टूडियो डन बाय जॉन वॉमियर, 1666x68 टाइम ड्यूरेशन इन कम्प्लीटेड, द साइज ऑफ दिस पेंटिंग 120x100 cm, ऑल ऑन कैनवस, प्रेजेंटली एग्जिबिट इन वियना ऑस्ट्रिया, आर्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ जॉन वॉमियर। सो नाउ स्टार्ट द रोकोको आर्ट मोमेंट। रोकोको आर्ट मोमेंट स्टार्टेड इन 18th century, 1770 वर्टर्स पेंटिंग, 1730 समथिंग जेनेटोज पेंटिंग, होगार्ट पेंटिंग्स 1743 एंड 1748-49 डन इन दिस पेंटिंग। रुनेट गैलरी ऑफ द विला एंड्रा, स्टार्स एंड टेक्निक्स ये इम्पोर्टेंट है। द पोर्ट्रेट ऑफ मैडोना दी पॉम्पडर, सारी पेंटिंग्स आप याद कर लीजिएगा प्लीज, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा कीर्ति, कीर्ति सुन के रिविजन कर रही है, नहीं भूल नहीं रही है। ये बॉचर्स का है, फैलजॉन्स का, टिपोलो, ये सारे जो हैं ये आपके बरूक आर्टिस्ट हैं, इनको आपको याद करना होगा। जीन एंटोनी वाल्टर, इनका बहुत ज़्यादा फेमस है गिलेस। ठीक है, गिलेस। नेक्स्ट ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ली एग्नेस दे गार्सेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिलग्रिम टू द आइसलैंड ऑफ सारा, सार्डिन वॉचर, वॉचर की भी पेंटिंग याद कर लीजिए, एक ये वाली पेंटिंग इम्पोर्टेंट है, मैडोना दी पाम्पडोर, और ये भी इम्पोर्टेंट है पाम्पड शेप। मैडो मेसर्स परफेक्ट, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जीन बैप्टिस्ट गजर्स, इनका ये वाला याद कर लीजिए, मॉर्निंग प्रेयर। ठीक है, और दूसरी इनकी पेंटिंग्स द पुनिश्ड सन,
जीन एंटोनीज हार्डन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। विंटर, ये आपको याद ही रखना है, इम्पोर्टेंट। वॉल्टर, दिस वन आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। जॉर्ज वॉशिंगटन ली, लेयर्ड बॉडी, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको सभी को याद कर लीजिएगा। फ्लैकंड का स्कल्पचर, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो एक्सप्लेन कर दूंगी। विलियम होगार्थ, विलियम होगार्थ ही वॉज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इंग्लैंड लंदन के आर्टिस्ट हैं, इनका तो आपको सभी पेंटिंग्स याद करना होगा। ये वाला इम्पोर्टेंट है, द गरम द ग्राम चिल्ड्रन, ठीक है। जीन लेन, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैरिज ए ला मोर द प्रॉफिट, ये वाले भी इम्पोर्टेंट कहे जाएंगे। रिचर्ड विल्सन, एनिमल्स एंड सम, जॉन रेनॉल्डर्स, जोसुआ रेनॉल्डर्स, जोसुआ रेनॉल्डर्स का आपको ये वाला याद रखना है, मिस्टर सिडन्स एज द ट्रैग्रेट मॉसेस, जोसुआ रेनॉल्डर की ये वाली भी बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट वाली पेंटिंग कही जाएंगी। नेक्स्ट लेडी विद वेलग्राफ, ये इम्पोर्टेंट है। एंड दिस वन, इस पेंटिंग का नेम है हेनरी एट लॉर्ड, ये वाली पेंटिंग्स हैं। थॉमस जेम्स ब्रॉक, एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, जेम वेरी भी, हेनरी रबर, ये भी सच इम्पोर्टेंट। न्यू क्लासिज्म, न्यू क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन 1780 एंड द एंडिंग ऑफ द टाइम 1830, द फाउंडर ऑफ जैक लुइस डेविड मैनस स्टुबस जूल एंड डेविड, डेविड ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस आर्ट मूवमेंट एंड दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर पेंटिंग डन बाई 1784 बाई जैक लुइस डेविड, प्रेजेंटली एग्जिबिट इन लुवर म्यूजियम पैरिस, ये वाली पेंटिंग ऑलरेडी देकर 5 questions पिछले बार पूछे गए थे। न्यू क्लासिज्म जिनको हिंदी में नौशास्त्रीयतावाद कहते हैं, इन्होंने रोकोको और बरू को रिजेक्ट करके ग्रीक को फॉलो किया, उनके ऑर्नामेंट्स स्टाइल्स एक्सेट्रास को। तो चलें फिर न्यू क्लासिज्म आर्ट मोमेंट से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। टोटल देखिए 700 pages हैं इस बुक में, ठीक है, 700, जिनमें से आज मैं 266 आपके पास शेयर की हूँ, 500 तक नेक्स्ट क्लास में कम्प्लीट करा के फिर 3 days में आपका, मतलब 2 days में आपका ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। आज 1.5 पोर्शन कंप्लीट हो गया। मेक श्योर कि आपको अच्छे से ये सारे पिक्चर्स समझ आ गए होंगे। प्लीज़ इन पिक्चर्स को आप याद कर लिएगा, डेफिनेटली से आपके एग्जाम में यहाँ से पिक्चर्स देकर क्वेश्चन 100% नहीं 200% मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक बुक और मैंने आपके साथ शेयर किया था अभी 2 दिन पहले, तो वो भी बुक के सारे पिक्चर्स आप याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। Take care, good night.